देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी सपने को साकार रूप देने के लिए उन्होंने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो कि आज कोसली विधानसभा के गांव खेड़ा आलमपुर पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि कोसली से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने मोदी की गारंटी वैन और वहां लगाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की योजनाओं को हर ग्रामीण तक, हर नागरिक तक, केंद्र और प्रांत की जो स्कीमें हैं उनका लाभ आप तक पहुंच सके, उसके लिए जागरूक करने के लिए 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के गांव से शुरू करके इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके पूरे भारतवर्ष के लिए, प्रत्येक प्रांत के लिए रवाना किया। उसी कड़ी में हम आपके बीच में आज खेड़ा आलमपुर में उपस्थित हुए। आने के ऊपर आपने जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई, फूल मालाओं से स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आज चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन तक उनको आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। चाहे धुआं रहित मिलने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वल योजना के तहत जो स्कीम लागू की, उसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कि कोई भी घर हमारी उज्ज्वल योजना से वंचित न रहे, हर घर में गैस का कनेक्शन हो। उसी कड़ी में मेरी बेटी जो योजना प्रांत में लागू की, हर बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि उस माता को दी जाती है। विवाह समूह योजना माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको बढ़ा करके 71,000 रुपए की राशि